नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश अनलॉक टू में प्रवेश कर चुका है, इसी के साथ आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौटने लगी हैं। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 350 अंक मजबूत होकर 35,600 अंक के पार पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी ने भी 100 अंकों की छलांग लगाई और यह 10,500 अंक के पार कारोबार करता दिखा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे खेती को एक लाभकारी कार्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। सरकार का कहना है कि इससे रेलवे में निवेश बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीमा पर नापाक मंसूबों से बाज न आने वाले चीन को भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार झटके दे रहा है। अब भारत सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। कोरोना संकट काल के बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर एक राहत की खबर है। दरअसल जून महीने में जीएसटी के कलेक्शन में इजाफा हुआ है। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक सरकार ने जून में जीएसटी से 90,917 करोड़ रुपए एकत्रित किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।